दोस्तों इन वीडियो पर आप व्यूज देखिए 2 मिलियन प्लस 2.3 मिलियन टू बी प्रिसाइज। लेकिन अगर आप इन चैनल्स के सब्सक्राइबर्स काउंट देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे, ओनली 30K प्लस सब्सक्राइबर्स। तो इतने कम सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद ये वीडियोस इतनी वायरल कैसे चली गई कि मिलियंस में व्यूज आ गए, और इन चैनल्स की बाकी की पॉपुलर वीडियोस में भी अच्छे खासे व्यूज आप देख सकते हैं। इसका रीजन है ये ट्रेंडिंग निश। आजकल YouTube पर ऐसे एनिमेटेड बुद्धा स्टोरीज वाले चैनल्स बहुत ही वायरल हो रहे हैं, और इन चैनल्स के अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं। या तो इनकी वीडियोस हिंदी में होती है या फिर इंग्लिश में। इन वीडियोस में मोस्टली आपको एक स्टोरी देखने को मिलेगी विद मॉरल लर्निंग या कुछ सीख देने वाली कहानी टाइप्स की वीडियोस। ऐसी ही मोस्टली वीडियोस आप यहां पर देखेंगे। अब बात करें इन चैनल की अर्निंग्स की, तो ये सारे चैनल्स महीने का अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं क्योंकि इन वीडियो पर व्यूज अच्छे आते हैं। अब एक और कमाल की बात बताऊं, मोस्ट ऑफ दीज चैनल्स अपना कंटेंट 100% AI से ही बनवाते हैं, लेकिन फिर भी मोनेटाइज्ड है। मिनिमम वीडियो एडिटिंग करके इन्होंने अपने चैनल पर AI कंटेंट को भी मोनेटाइज करवा लिया है। अब सवाल ये है कि क्या आप भी ऐसी वीडियोस बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इन वीडियोस को बनाना बहुत ही इजी है, जिसमें आपको 10 मिनट या उससे भी कम टाइम लगने वाला है, और किसी भी तरह की फैंसी एडिटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। बेसिक एडिटिंग से ही आप ऐसी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो कैसे बनानी है, स्क्रिप्ट कैसे लेनी है, सब कुछ जानने को मिलेगा स्टेप बाय स्टेप आगे इस वीडियो में। चलिए फिर लेट्स रोल। तो सबसे पहला स्टेप आता है स्क्रिप्ट। आपको स्क्रिप्ट चाहिए होगी ऐसी एनिमेटेड बुद्धा स्टोरी बनाने के लिए। इसके लिए हम यूज करेंगे ChatGPT का। तो मैंने ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया कि आई वुड लाइक टू क्रिएट एन एनिमेटेड स्टोरी ऑन बुद्धा टीचिंग ऑन अ स्टोरी फॉर्म। अभी एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा आप वहां से कॉपी कर सकते हैं और इसे जैसा चाहे वैसा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने प्रॉम्प्ट में ChatGPT को पूरी स्क्रिप्ट को सीन बाय सीन डिवाइड करने भी बोल दिया, और साथ ही हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स भी देने बोल दिया जो हमें आगे काम आने वाला है। और बस ChatGPT ने पूरी स्क्रिप्ट और इमेज प्रॉम्प्ट हमें बनाकर दे दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद ना भी आए तो आप इसे रीजनरेट करने भी बोल सकते हैं। मैं अभी ये सेम स्टोरी यूज करने वाला हूँ, तो हम इस पूरी स्क्रिप्ट को और इमेज प्रॉम्प्ट को एक वर्ड डॉक में कॉपी कर लेते हैं। अब देखो ये पूरी स्क्रिप्ट तो है इंग्लिश में, और अगर आप इंग्लिश में ही वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप एज इट इज इस स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं और वॉइस ओवर भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हिंदी में वीडियो बनानी है या किसी और लैंग्वेज में, तो आप इस स्क्रिप्ट को गूगल ट्रांसलेट की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप इंग्लिश में ही बनाओ, क्योंकि बुद्धिज्म की फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में है, और ऐसे मोरल स्टोरी वाली वीडियोस US, UK, कनाडा में भी देखी जाती है। तो आपको व्यूज अगर इन कंट्रीज से मिले तो इसका मतलब है IRPM, मतलब ज्यादा पैसा पर 1000 व्यूज। सो इट्स योर कॉल, आप कौन सी लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं। चलिए तो अब स्क्रिप्ट हो गई है रेडी, अब बात आती है वॉइस ओवर की। वैसे आप चाहे तो इसमें अपना खुद का वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो AI का वॉइस ओवर भी लगा सकते हैं। बस अच्छी AI वॉइस यूज करना जो रियलिस्टिक हो, नहीं तो मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ जाएगी। वैसे ज्यादातर चैनल्स ऐसी स्टोरीज में अभी ये एडम या फिर ये एंटोनी वाला साउंड यूज करते हैं 11 Labs से, तो आप भी चाहे तो यही वॉइस यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और भी आप सुनकर चूज कर लीजिए, और बस वॉइस ओवर भी आपको यहाँ से बनकर मिल जाएगा। चलिए तो अब स्क्रिप्ट डन, वॉइस ओवर ऑल्सो डन। अब हमें चाहिए होगी अपनी वीडियो के लिए रेलेवेंट इमेजेस हर सीन के लिए। तो इमेजेस जनरेट करने के लिए हम यूज करेंगे लियोनार्डो AI का। अब इसमें आपको डेली 150 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसमें आप इजीली 30-40 फ्री इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं हाई क्वालिटी। लेकिन फिर कुछ लोग बोलेंगे कि ये फ्री नहीं है, तो भाई फ्री में अनलिमिटेड चाहिए। अगर 150 क्रेडिट्स इज नॉट इनफ तो फिर आप अपग्रेड कर लो और अनलिमिटेड यूज करो। हमारा काम तो 150 क्रेडिट से ही हो जाए। तो यहाँ पर इमेज जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रॉम्प्ट बॉक्स आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ChatGPT ने ऑलरेडी हमें सारे सीन्स के लिए इमेज प्रॉम्प्ट दे दिए हैं। सबसे पहला वाला प्रॉम्प्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे और लियोनार्डो में पेस्ट कर देंगे। अब आपको इमेज स्टाइल चूज करना है यहाँ पर, तो आप अलग अलग ऑप्शन इमेज स्टाइल के यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, जैसे लियोनार्डो डिफ्यूजन, HDXL, और इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ये अलग अलग स्टाइल में आप इमेजेस क्रिएट करके देख सकते हैं कि कौन से स्टाइल में आपको सबसे बेस्ट इमेजेस मिल रही है जो आपको पसंद है। वैसे एनिमेटेड स्टोरी के लिए आप ये HDXL वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और यहाँ से आपको रेलेवेंट इमेजेस मिल जाएगी अपनी स्टोरी के लिए। बस अब इमेजेस को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और इसके बाद दूसरा प्रॉम्प्ट ChatGPT से कॉपी करके दूसरी इमेज जनरेट कर लीजिए। इस तरह आपको सारे प्रॉम्प्ट्स के लिए इमेजेस यहाँ से जनरेट करके डाउनलोड कर लेना है। वैसे अगर आपको लियोनार्डो AI यूज नहीं करना है, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है इमेजेस क्रिएट करने के लिए, Bing AI। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके उसमें Bing सर्च में डालिए Bing इमेज क्रिएटर, और ये ओपन हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये DALL-E 3 के जैसा ही है जो इसमें इनबिल्ट हमें मिल जाता है। तो बस यहाँ पर आपको इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, और यहाँ से आपको हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसे फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास इमेजेस जनरेट करने के लिए, जो चाहे वो यूज कीजिए। चलिए तो अब इमेजेस का काम भी हमारा खत्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर सारी इमेजेस और वॉइस ओवर वाली फाइल एक फोल्डर में रख ली है,
और ये सब कुछ हम यूज करने वाले हैं फाइनल स्टेप में अपनी वीडियो को असेंबल करने के लिए। इसके लिए हम चलते हैं फाइनल स्टेप पर जो है कैपकट। तो आपको कैपकट ओपन कर लेना है और इंपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पर सारी इमेजेस और ऑडियो यानी कि वॉइस ओवर फाइल भी ले आनी है। इसके बाद सबसे पहले वॉइस ओवर वाली फाइल को ड्रैग करके नीचे टाइमलाइन में ले आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वॉइस ओवर की स्पीड और वॉल्यूम अगर आपको एडजस्ट करनी हो तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। अब अपने वॉइस ओवर के हिसाब से एक एक करके सारी इमेजेस भी टाइमलाइन में लेकर आ जाएंगे। हर सीन के हिसाब से अपने वॉइस ओवर के हिसाब से उसी सीक्वेंस में आप इमेजेस लेकर आते जाइए। तो मैंने यहाँ पर सारी इमेजेस सीन्स के सीक्वेंस के हिसाब से ऐड कर लिए और वॉइस ओवर के साथ मैच करने के लिए इमेजेस की ड्यूरेशन भी वैसे ही एडजस्ट कर दी है ताकि वो दोनों सिंक हो जाए। अब हमें सबसे पहले इन सीन्स में ऐड करना है एनिमेशन। तो एक एक करके हर इमेज पर क्लिक करेंगे और ऊपर एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कॉम्बो वाले ऑप्शन में से कोई भी एक एनिमेशन स्टाइल चूज कर लेंगे। मैंने ये बेंड जूम वाला ऑप्शन चूज किया है, आप जो चाहे वो चूज कर लीजिए अपने हिसाब से। और ड्यूरेशन भी मैंने यहाँ पर एनिमेशन की फुल ही रखी है, विच अगेन यू कैन कस्टमाइज एज पर योर चॉइस। तो इस तरह एक एक करके हमें सारी इमेजेस में एनिमेशन स्टाइल ऐड कर देना है पूरी वीडियो में, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए तो अब एनिमेशन भी ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हम अपनी वीडियो में ऐड करेंगे इफेक्ट। तो इफेक्ट्स में क्लिक करके यहाँ से हम कोई भी एक स्पार्क वाला इफेक्ट चूज कर लेंगे और उसे पूरी वीडियो में अप्लाई कर देंगे एज यू कैन सी। अब इस इफेक्ट की इंटेंसिटी और स्पीड आप अपने हिसाब से चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर एज इट इज इसे छोड़ भी सकते हैं। बस अब हमें इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है, ये वीडियो ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। अगर आप चाहें तो और अलग से कोई भी इफेक्ट इसमें ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। तो मैं अभी इसमें और कुछ ऐड नहीं कर रहा। एक चीज आपको इस वीडियो में और ऐड करनी है और वो है एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि आप अपनी वीडियो को अपलोड करते टाइम यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से ही ऐड कर लीजिए ताकि किसी भी तरह का कॉपीराइट ना आए। बस अब ये वीडियो रेडी हो चुकी है, इसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर लेंगे और मैं इस वीडियो को प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी लग रही है और इसे बनाना इतना ही आसान है। कोई सवाल या इशू हो तो यू कैन कॉमेंट और DM ऑन Instagram। नाउ लेट्स प्ले द वीडियो। Once upon a time, in a bustling town, there lived a man named Arjun. He was burdened by the weight of his worries and frustrations, feeling lost in the chaos of his own mind. One day, unable to bear the heaviness any longer, Arjun decided to seek guidance from the wise Gautam Buddha, who was known for his profound teachings. Arjun made his way through the dusty streets until he reached the tranquil garden where Buddha was meditating. With desperation in his eyes, Arjun approached the serene figure of Buddha and fell to his knees, pleading for solace. Buddha, opening his compassionate eyes, acknowledged Arjun's pain and invited him to share his troubles. Arjun poured out his heart, expressing the struggles and challenges that haunted him. Buddha, in his gentle voice, reassured Arjun that suffering is a part of life but can be overcome through understanding and self-realization. He encouraged Arjun to look within and find the serenity that resides in every soul. As Buddha spoke, scenes of Arjun's life unfolded, revealing the interconnectedness of all things. Buddha emphasized the impermanence of life and the importance of mindfulness, compassion, and letting go. As the sermon concluded, Arjun felt a profound shift within himself. The storm in his mind began to settle, and a newfound clarity emerged. Buddha smiled, acknowledging the transformation taking place in Arjun's heart.